हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें एक हम स्टाइलिश बेड मॉडल करेंगे 3ds Max में। सो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एक रेफरेंस लेंगे, रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और एक रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। सो मैंने एक बेड का रेफरेंस यहाँ पर ओपन अप किया है। हम इसे मॉडल अप करेंगे यहाँ पर। सो किस तरह से इसे मॉडल करेंगे, आइए शुरू करते। सो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। वर्टेक्स में जाता हूँ और इसको स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं इस बेड को मैंने इसके जो कनेक्टिंग जो है सपोर्ट से मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसे और इसे अटैच करना था, अटैच कर लीजिए। स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ, शेप्स में जाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन टूल से मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसा करके करना है या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह से यूज करना है कैसे भी, तो आप आपके हिसाब से आप ऐसे शेप क्रिएट करवा सकते। सो यहाँ पर जाकर जैसे मैंने अगर ये शेप मैंने क्रिएट यहाँ पर कर लिया और इसे रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबलिंग व्यूपोर्ट करके इसे मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मुझे अगर एक और शेप यहाँ पर क्रिएट अप करना है, मैं यहाँ पर एक लाइन टूल लेता हूँ, एक लाइन टूल में इस तरह से थोड़ा सा नीचे शफल करता हूँ और यहाँ पर जाकर इस तरह से मैं थोड़ा मैन्युअली कर रहा हूं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप यहां से मैं इसे इस तरह से फिलेट दे देता हूं। इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली नीचे शफल, आपको जैसा शेप बनाना वैसा शेप क्रिएट अप कर सकते हो और इसे मैं इसको रेडियल कर लेता हूँ थोड़ी सी थिकनेस और यहाँ पर जाकर एक इंसर्ट ऑप्शन है, एक तो वर्टाइसेस में जाकर आप इसको यहां से स्मूथ कर सकते या फिर बेजर दे दीजिए, तो आप इसे बेजर से आप इसको इस तरह से
जैसे आपको लगता है इससे एडजस्टमेंट आपको करवाना है, आप उस तरह से इसका एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद इसी को सेलेक्ट करके अगर आपको शफल भी करना हो थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा शफल कर सकते हो। राइट क्लिक करके मैं यहां पर इस तरह से एडजस्टमेंट करवा सकता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके इसके वर्टाइसेस थोड़े से स्लाइटली मैं पुश कर लेता हूँ। ओके, तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप यहाँ पर जाइए और इसका जो लेंथ और विथ है इस पर थोड़ा आप वर्किंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ कॉपी करके इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। स्लाइटली इसको बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ। एक और लाइन में यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ। तो ये तो डेफिनेटली बॉटम साइड में होगा तो ये हमें विजिबल नहीं होगा यहाँ पर। सो ये जो आपने डिजाइन बनाई है इसे क्रिएट क्लिक करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। एक और लाइन टूल लेता हूँ इस तरह से। सो लाइन टूल लेने के बाद इसके थोड़ी सी जो विथ हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो यहां से इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, स्लाइटली शफल करता हूँ। एक और फिर से एक बार मैं लाइन टूल लेता हूँ, एनेबलिंग व्यूपोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। डेफिनेटली है परफेक्ट नहीं बना है बट ट्राई कर सकते। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये ज्यादा क्लोज जाना चाहिए इसके इस तरह से। तो ये भी जो है ये ज्यादा क्लोज जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनाने में, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। सो यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, एक आर्क ले लीजिए, आपके पास यहाँ पर आप एक आर्क ले सकते हैं, या आर्क है या फिर हेलिक्स ले लीजिए एक आप। सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, थोड़ा इजी होगा। सो सर्कल को एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके इंसर्ट यूज करता हूं,
ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। और सेम अब वर्टाइसिस में जाता हूँ, तो थोड़ा फिलेट कर देता हूँ। तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स तो डेफिनेटली कर ही सकते हो यहाँ पर जाकर इस तरह से। फिर इसे मैं एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। एक और लाइन लेता हूँ तो ये दोनों को मैं सेलेक्ट करके मिरर कर लेता हूँ और इसकी कॉपी बना लेता हूँ इसके ऑपोजिट साइड। इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा पार्ट। अब यहां पर जाता हूँ, सिर्फ ये एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली शफल कर लेता हूँ, स्ट्रेट कर लेता हूँ। इसके बाद बॉटम में जाता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ तो टॉप व्यू में जाएंगे तो डेफिनेटली एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह से। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर स्लाइटली बाहर की ओर इसे शफल करता हूँ। ओके, और इसी के ऊपर मैं एक और चैम्फर बॉक्स बना लेता हूँ। ये जो आपका पार्ट रहेगा जैसे मैं यहां से इस तरह से स्केल अप कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेते स्केल। और अगर आपको लगता है मुझे इस पर थोड़ी बहुत और डिटेल्स डालनी है तो हम इसके ऊपर डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ओके वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसे स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपको जितने कनेक्ट्स पुट ऑन करने हैं उतने आप कनेक्ट्स पुट ऑन कर लीजिए। तो थोड़े बहुत कनेक्ट्स पुट ऑन कर लीजिए। इसके बाद इसमें जाकर अगर मुझे लगता है तो मैं फ्री फॉर्म में जाता हूँ। फ्री फॉर्म में जाकर तो सेलेक्ट कीजिए, फ्री फॉर्म में जाता हूँ के पास यहाँ पर पुश एंड पुल है। अगर आपको पुश एंड पुल यूज करना है तो आप पुश एंड पुल यूज कर सकते हो और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कर देगा। सो थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करना है, आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कर सकते। मैं एकदम कैन से कि मैं डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा अनइवन कर रहा हूँ इसके ऊपर। आपको जितना अनइवन लगे आप उतना अनइवन कर लीजिए इसे। इसके बाद
यहां पर जाएंगे यहां पर जाकर एक क्लीन लेता हूं, सेव कर लेता हूं फाइल को, एक प्लेन लेता हूं। सो एक प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके ऊपर थोड़े सेगमेंट्स डाल देता हूं। सो मॉडिफायर लिस्ट से भी कर सकते हैं या फिर आप एनिमेशन में जाइए, मास एफेक्ट्स में जाइए, क्लॉथ में जाकर इसे मैं एम क्लॉथ दे देता हूं, मैश क्लॉथ दे देता हूं, इसे सेलेक्ट करता हूं, इसे सेलेक्ट करता हूं, एनिमेशन में जाता हूं, मास एफेक्ट्स में जाता हूं, रिजिड बॉडी में जाके इसे स्टैटिक रिजिड बॉडी। सो स्टैटिक रिजिड बॉडी इसलिए दे रहे क्योंकि ये मूविंग नहीं होने वाला, ये मूव नहीं होने वाला है। इसे सेलेक्ट करते हैं कुशंस, सॉरी द मैट्रेस, और शेप टाइप में जाकर इसे ओरिजिनल कर देता हूँ। इसे भी सेलेक्ट करके शेप टाइप में जाकर ओरिजिनल करता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन में जाता हूँ क्लॉथ को, मास अफेक्ट्स में जाके सिमुलेशन में जाकर इसे प्लेस सिमुलेशन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से सिमुलेशन प्ले करूँगा तो मुझे यहाँ पे अब देखोगे मुझे क्लॉथ का इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम हो गया इतना, इसके बाद इसको सेलेक्ट करो और यहां पर एक मॉडिफायर है दैट इज कॉल्ड अ शेल मॉडिफायर। सो मैं एक शेल मॉडिफायर दे देता हूँ। शेल देने से मैं इसे थोड़ी सी थिकनेस दे सकता हूँ। सो मुझे अगर थोड़ा सा थिकनेस क्लॉथ के ऊपर देना है तो मैं ये शेल मॉडिफायर का यूज कर सकता हूँ। सो शेल थोड़ा सा और अगर आपको लगता है तो आप इसको शेल बढ़ा भी सकते हो और इसे कन्वर्ट टू पॉली कर। शेल देने के बाद इसके अंदर मैं इसे रिंग करता हूं और यहां पर दो कनेक्ट देता हूं और इसे ओके कर लेता हूं। अब मॉडिफायर लिस्ट में जाकर टर्बो स्मूथ एक मॉडिफायर दे देता हूं। तो टर्बो स्मूथ देने से आपको ये स्मूथ हो जाएगा। अब टर्बो स्मूथ देने के बाद इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूं और इसे सेलेक्ट करके इसे मैं इसके ऊपर जाकर इसे मैं नॉइस दे देता हूँ इसके ऊपर। सो नॉइस से मैं इसे थोड़ा थोड़ा अनइवन, जहाँ से आपको लगता है कि मुझे इसे अनइवन करना है तो मैं इसे अनइवन कर सकता हूँ। सो ज़्यादा नहीं, थोड़ा कर सकते हो। इसको यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रिलैक्स, आपको लगता है थोड़ा थोड़ा आप इसको रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इसकी एजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है हमें। इसको आप थोड़ी सी एजेस को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है शिफ्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा शिफ्ट से मुझे हल्का हल्का मैट्रेस को टिल्ट करना है या फिर फोल्ड इफेक्ट दिखाना है तो मैं इसका यूटिलाइजेशन इजीली कर सकता हूँ। एकदम तो स्ट्रेट होगा नहीं, बट आपको अगर लगता है कि मुझे ये थोड़ी सी मैट्रेस पे वर्किंग होना चाहिए तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब इसी को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर वर्टाइसेस में जाता हूँ और यहाँ तक इसकी हाइट रखता हूँ।
अब यहाँ पर जाकर फिर से मैं एक लाइन टूल ले लेता हूँ। सो आपने अगर ये लाइन टूल लिया है तो इसी की मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इस तरह से पुश कर लेता हूँ। सो इसे मैं थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और ये जो आपका डिटेल है ये और भी नीचे आ जाएगा। तो इसे सेलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ और एक 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 लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं शफल करता हूँ। Enable in viewport करके इसे रेडियल कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करता हूँ इसे तो सेव कर लीजिए एक बार फाइल फिर से। सो गाइस अगर आपको इसमें कुशंस बनाने हैं आप कुशंस या पिलोज जो भी अगर आपको बनाना है वो आप इजीली बना सकते हैं। तो एक बार फाइल सेव कर लीजिए फिर से। सो पिलोज बनाना काफी आसान है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि आप बॉक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से और कुछ सेगमेंट्स में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एनिमेशन में जाता हूँ, मास इफेक्ट्स, क्लॉथ, क्रिएट एम क्लॉथ करता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ फिर से। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, स्टैटिक रिजिड बॉडी, शेप टाइप इसे फिर ओरिजिनल कर लेता हूँ, इसका भी शेप टाइप ओरिजिनल इसे सेलेक्ट करता हूँ और एनिमेशन में जाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास वो है एनेबल बलून बिहेवियर। सो मास इफेक्ट्स में पहले जाता हूँ, सिमुलेशन में जाके इसको प्ले सिमुलेशन करता हूँ और इसका मैं एनेबल बलून बिहेवियर दे देता हूँ इसको और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ। तो आपको अगर इस तरह से इसको ऐसा शेप मैंने देख रहा हूँ, मैंने हल्का सा स्लाइटली डिफाइन कर लिया है कि मुझे ये थोड़ा सा तो एटलीस्ट हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर मैं एक टर्बो स्मूथ मॉडिफायर दे देता हूँ और इसे मैं स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ। सो हल्का से इसको मैं यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ। तो आपको जैसे इसको स्केल अप करना हो आप इसको इस तरह से स्केल अप करें या इसके ऊपर आप FFD बॉक्स भी डाल सकते हो इस तरह से। इसके एक एक आप डुप्लीकेट बना लीजिए। सो गाइस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ,
ये पूरा सेलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो ये आपका जो बेड है वो रेडी हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके एक और इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ और मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल ऐसा है। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ये पर्टिकुलर स्टाइलिश बेड को हमने किस तरह से मॉडल किया है 3ds Max में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। So thanks for watching this tutorial.